हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इजी आर्ट कला में। और हाँ दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं पिल्लो। दोस्तों पिल्लो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है मेरी एक पुरानी कुर्ती, जिसकी सिलाई हमें दोनों साइड से निकाल देनी है इस तरह से। इस तरह से दोनों साइड से सिलाई निकालने के बाद जो बैक का जो प्लेन पार्ट है उसे मैं यहाँ पर ले रही हूँ। और इस तरह से अच्छे से बिछा कर रखने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 18x18 इंचेस का इस तरह से एक टुकड़ा निकाल रही हूँ। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है बीच में से, और दोनों साइड से अच्छे से हमें इसकी फिनिशिंग दे देनी है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से हमने इसकी फिनिशिंग दे दी है। अब हम इसे बीच में से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं किस तरह से यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो इस तरह से आप अगर निशान लगाना चाहते हैं तो निशान लगाए, और ऐसे ही आप सिलाई लगा सकते हैं। जो लाइन ड्रॉ की है उसी के हिसाब से हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर हम छोड़ देंगे, और फिर से हम दूसरे निशान से हम स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। और इस तरह से हम पूरी सिलाई लगा देंगे, और बीच में जो हमने अभी जहाँ पर निशान नहीं किया है उसे हम ऐसे ही रखेंगे, वहाँ पर हम सिलाई नहीं करेंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब जो हमारे साइड का जो हिस्सा है ये वाला, वहां पर हम छोटी छोटी प्लेट्स लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स ले लेनी है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सारी प्लेट्स ले ली है, और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सारी प्लेट्स ले लेंगे। तो ये हमने दूसरी साइड भी इसी तरह से प्लेट्स ले ली है। अब हमें क्या करना है कि इसको इस तरह से पकड़ना है, और इसकी कितनी लेंथ है वो हमें लेनी है। तो इसकी आ रही है 3.5 इंचेस। अब हम 3.5 इंचेस का डबल करते हैं तो होता है 7 इंचेस। तो टोटल हमें 7 इंचेस का राउंड कट करना है। इसी साइज के दो राउंड हमें कट करने हैं। तो अब जो हमारा ऊपर का जो हिस्सा बचा था उसमें इस तरह से मैंने यहाँ पर राउंड बना दिए हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर दोनों राउंड कट हो गए हैं। अब हमें किस तरह से अटैच करना है, तो इसी तरह से हमें बाहर की साइड रखते हुए इसे अटैच कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, बाहर से कुछ इस तरह से दिखेगा सीधी साइड से। तो इसी तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ अभी किस तरह से यहाँ पर अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं अभी अटैच कर रही हूँ, जो हमने राउंड कट किया था उसे हम बाहर की साइड रखेंगे और इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने अटैच कर लिया है, अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से अच्छे से सीधा करने के बाद हम देख सकते हैं कि सारी प्लेट्स हमारी अच्छे से दिख रही है। अब जो हमने यहाँ पर सिलाई छोड़ दी थी, जो ओपन रखी थी, सिलाई नहीं की थी, वहां से हम यहाँ से इसमें वॉशेबल डाल देंगे। तो इस तरह से अच्छे से हमने वॉशेबल अंदर भर दिया है। अब हम यहाँ पर सुई और धागे की मदद से हम पैक कर देंगे। तो है ना दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका। तो इस तरह से आप
अगर आपको ज़्यादा सिलाई नहीं आती है फिर भी आप आसानी से इस तरह से पिल्लो घर पर ही तैयार कर सकते हैं। आपको जितनी और जो साइज़ का चाहिए उस साइज़ का आप घर पर ही पिल्लो बना सकते हैं। अब पैक करने के बाद आप लकड़ी या तो स्केल की हेल्प से इस तरह से अच्छे से अंदर जो हमने रुई ऐड की है उसको आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पिल्लो बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं, आप जो भी साइज़ का बनाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे हम इसी तरह के नए नए वीडियो के साथ। बाय बाय।